हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन पेपर टू। माय नेम इज आदित्य दुबे एंड इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ कमिश्नर्स। ओके, ये पार्ट वन रहेगा रोल ऑफ कमिश्नर के लिए, और सिंस इसका कंटेंट उतना ज्यादा अवेलेबल अभी नहीं है फिलहाल, तो ये पार्ट वन में ही मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ही मेरे पास और कंटेंट अवेलेबल होता है, मैं इसका पार्ट टू भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। ओके, तो इस टॉपिक में हम डील करेंगे पेपर टू का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक, जो पेपर टू के फोर्थ टॉपिक में आता है, और इसमें भी हम डील करेंगे टॉपिक फोर सी। यदि आपने पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे रोल ऑफ कमिश्नर के बारे में। अब कमिश्नर के बारे में एक हायरार्की समझ लेते हैं। कमिश्नर की पोस्ट के नीचे एक सबॉर्डिनेट होता है जिसको कहते हैं एडिशनल कमिश्नर। ओके, और एडिशनल कमिश्नर के तीन सबॉर्डिनेट होते हैं, जो होते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डेप्यूटी कमिश्नर फॉर लैंड रिकॉर्ड। ओके, अब हम समझते हैं कि कमिश्नर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो कमिश्नर की अगर बात की जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की अगर देखी जाए हमारे मध्य प्रदेश में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार हमारे एमपी में टोटल 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किए गए हैं। ये उसी प्रकार हैं जिस तरीके से हमारे एमपी के डिवीजन्स हैं, तो उसको डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांट दिया गया है। अब 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन कौन से हैं, वो ये हैं। पहला है भोपाल, दूसरा ग्वालियर, तीसरा नर्मदापुरम, चौथा चंबल, पांचवा इंदौर, छठवा जबलपुर, सातवा रीवा, आठवा सागर, नौवा शहडोल और दसवा उज्जैन। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है। ओके, और खास तौर से आपको नर्मदापुरम की जगह आपको इटारसी दे सकता है, या कुछ और ऑप्शन दे सकता है, या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऑप्शन को ट्वीक कर सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यूनिट नहीं होते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कमिश्नर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, डिवीजन कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, मींस इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो एक सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन होता है, मींस एक प्रबंधक संस्था होती है, मींस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जिसका काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस फंक्शनिंग की जा रही है डिवीजन लेवल पे, उनको लुक थ्रू करना या उनको ओवरसी करना। ओके, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी हमारे स्टेट में है उस डिवीजन के बेसिस पे, तो उनकी जो फंक्शनिंग है उनको मॉनिटर करना और उनको क्लोजली वॉच करना कि क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, अब डिवीजन जो कमिश्नर है, कमिशन की बात की जाए, तो ये इसका ऑफिस टू फोल्डेड होता है। पहला होता है डिविजनल कमिश्नर और दूसरा होता है कमिश्नर अंडर एरिया एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अब हम डील करते हैं डिविजन लेवल के कमिश्नर की। अब डिविजनल लेवल की अगर बात की जाए, तो ये एक्ट करता है एज अ सुपरवाइजरी हेड, मतलब एक सलाहकारी हेड की प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस जितने भी होते हैं डिवीजन के, उसका एक सुपरवाइजरी हेड कहलाता है डिविजनल कमिश्नर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डिविजन कमिश्नर एक्ट एज अ सुपरवाइजरी हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस सिचुएटेड इन द डिविजन। अब एज द कमिश्नर, मतलब अगर बात की जाए एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो हमने यहाँ पे देखा अभी नीचे कि कमिश्नर दो तरीके के हैं, एक है डिविजनल कमिश्नर और दूसरा है कमिश्नर अंडर एरिया एंड डेवलपमेंट। तो अगर एरिया एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये मेंटेन करें और रेगुलेट करें जितने भी इरीगेशन सिस्टम है और जो डेवलपमेंट उनके रेन में, मीन्स उनके कार्यकाल में होते हैं। अब ये इनका कार्यकाल जो रहता है वो पूरे डिवीजन के लिए रहता है, मींस एक डिवीजन में फॉर एग्जांपल अगर फोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो जितने भी फोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंतर्गत जितना भी एरिया मेंटेनेंस, मींस लैंड से रिलेटेड या इरिगेशन से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस होता है, उसकी देखरेख करना इनका काम होता है। ओके, अब आते हैं रोल ऑफ कमिश्नर के लिए। तो रोल ऑफ कमिश्नर की अगर बात की जाए, तो इसकी जो ऑफिस होता है, मींस उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी रेवेन्यू और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में होते हैं उनकी देखरेख करना। अब इस रिस्पेक्ट में ये कुछ ऑप्शंस परफॉर्म करता है जो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कि ये रिव्यू करता है पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस सिस्टम। अब इसकी बात की जाए, तो ये पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस सिस्टम की, तो ये 2007 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाया जा सके, और एक सिटीजन ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट का यूज करते गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की शिकायत कर सके गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटी लेवल पे। तो ये इसकी रिव्यू करने का काम होता है कमिश्नर का। इसके अलावा इसका काम ये भी होता है कि ये इंश्योर करे, मीन्स सुनिश्चित करे कि ये लैंड रिकॉर्ड्स जो पूरे डिवीजन में मेंटेन किए जा रहे हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ओके,
इसके अलावा इसका दूसरा काम ये भी होता है कि ये सुपरवाइज करता है, मीन्स देखता है, रेगुलेट करता है कि जितने भी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और डिस्पोजेबल लैंड रेवेन्यू क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं जो सबॉर्डिनेट ऑफिस में फाइल किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। मीन्स अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं, मीन्स जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेस होते हैं, उनमें जो क्रिमिनल केसेस या रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको सुपरवाइज करना और उनकी जानकारी पूरी तरीके से लेना। ओके, अगला पॉइंट होता है कि ये भी सुनिश्चित करता है कि जितनी भी इंक्वायरीज कंडक्ट की जा रही हैं, जो भी एमपी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत की जा रही हैं, वो सुनिश्चित करना कि टाइमली कंप्लीट हो रही है वो इंक्वायरी या नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है एमपी पंचायती राज एक्ट की। तो एमपी पंचायती राज एक्ट के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये एक्ट पास हुआ था 1993 में। ओके, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 मीन्स 1993 को पास हुआ। और इसके बारे में और डिटेल्स हम जानते हैं कि पंचायत की अगर बात की जाए तो ये तीन लेवल पे पंचायत होती है। पहली होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरी होती है ब्लॉक लेवल पे जिसको इंटरमीडिएट पंचायत के नाम से जाना जाता है, और तीसरी होती है विलेज पंचायत। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत की अगर बात की जाए तो वो उसका नाम यूज किया जाता है जिला पंचायत। ओके, इंटरमीडिएट पंचायत मीन्स ब्लॉक पंचायत को कहा जाता है जनपद पंचायत, और विलेज पंचायत को बोला जाता है ग्राम पंचायत। ओके, तो इसका जो सोर्स है मैंने लिया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें और अगर आप नंबर की बात करें कि हर लेवल पे कितनी पंचायत है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ जिला पंचायत इन एमपी, तो ये है 48 एज पर 2004 और 2005 का पंचायती राज इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का डेटा के अनुसार। और जनपद पंचायत टोटल है 313 और ग्राम पंचायत है 23051। ओके, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है और क्या रोल होता है। इसके अलावा एक रोल ये भी होता है कि ये रिव्यू करता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मींस जितनी भी राशन शॉप होती हैं जिनको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, पूरे डिवीजन में सही तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें नेसेसिटी है, और क्या उसके जो इनपुट्स हैं ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो भी डिफेक्ट हैं उसको रेक्टिफाई किया जा सके। तो ये भी एक कमिश्नर का रोल होता है। अब इसके अलावा इसका एक और रोल होता है कि ये कंडक्ट करते हैं एनुअल इंस्पेक्शन। मीन्स एनुअल इंस्पेक्शन करते हैं जितने भी सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं, मीन्स अधीनस्थ कार्यालय जितने भी होते हैं, ताकि उनकी स्क्रूटनी की जा सके, उनकी जांच की जा सके और इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, और साथ ही साथ उनको गाइड किया जा सके ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। इसके अलावा ये लॉ मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है जो डिवीजन में होता है, और पुलिस और मजिस्ट्री के साथ जो टीम वर्क होता है उसमें कोऑर्डिनेट करने का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये सुपरवाइज करता है जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पूरे डिवीजन में होता है उसको देख रेख करने के लिए। अब एक और पॉइंट हम जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पीरियोडिक मीटिंग कंडक्ट करता है डिविजनल कमिश्नर, और जितने भी रेफरेंसेस और रिव्यू होते हैं उस मीटिंग में उनको इंप्लीमेंट करने का काम भी इसका होता है। इसके अलावा बात की जाए और पॉइंट्स की, तो ये सुनिश्चित करता है जितनी भी नई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जा रही हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो उनका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है कमिश्नर का। और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए अगर, तो रूरल और अर्बन एरियाज की खास तौर से इनकी बात की जाती है देखरेख की। और बात की जाए दूसरे पॉइंट की, तो वो ये है कि जितने भी कोर्ट के वर्क्स होते हैं चाहे वो एपेलेट और रिवीजन ज्यूरिडिक्शन से बेस्ड होते हैं, उनको कंडक्ट करने का काम होता है कमिश्नर का। अब अलग पॉइंट की बात की जाए तो ये है कि कोऑर्डिनेट ये भी करता है जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिलीफ एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ लाइजनिंग करना, मींस ताकि फ्यूचर में यदि कभी कोई डिवीजन में कोई डिजास्टर ऑकर होता है तो उसके जो रिस्पॉन्सेस हैं, उसके जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सके ताकि जो हैजार्डस एक्टिविटी होती हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग और मोटिवेशन का काम होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके जो पर्सनल्स होते हैं मीन्स अधिकारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छी तरीके से काम करें। इसके अलावा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एनजीओज होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, उनके साथ लाइजनिंग करना मीन्स उनके साथ अच्छे संबंध बनाना ताकि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एनजीओ और गवर्नमेंट का दोनों का इंट्रोडक्शन है मीन्स काम करने का है।
अगला पॉइंट है कि ये नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये इनकरेज करते हैं, मीन्स लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, और गवर्नमेंट के कल्चर को सहयोग करने में इनका काम होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करना और जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की जाती हैं और पब्लिक इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उनकी देखरेख करना। अब अगर बात की जाए सीनियर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे डिवीजन लेवल पे, तो इनका काम ये होता है कि जितने भी प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उनको फॉलो करना। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल। तो सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड किए गए हैं एक गवर्नमेंट फंक्शन, एक गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखना कि क्या वो फॉलो हो रहे हैं, और एक नए प्रोटोकॉल का बनाने का भी काम इनका होता है। तो ये था हमारा वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया रोल ऑफ कमिश्नर का। ये पार्ट वन था। सिंस इसका कंटेंट उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए इसका पूरा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे ही दूसरा कंटेंट पार्ट मेरे पास अवेलेबल होता है मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड करूंगा, और मोर डिटेल्स के साथ और मोर एमसीक्यूज के साथ जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से उसको कवर करूंगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ये आपके पेपर वन और पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें आपका भी भला होगा और इसमें मेरे चैनल का भी भला होगा, क्योंकि मेरे चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर आप इसमें कमेंट करेंगे तो आपका भी नॉलेज पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कीजिए, मतलब आप पढ़ लीजिए अपने लेवल पे कि क्या आपको ये क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एमपी कौन सा है। अब यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एमपी पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों बताने हैं। ओके, सिमिलरली दूसरी अगर बात की जाए लार्जेस्ट डिवीजन की, मतलब सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो ये आपको पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों बताने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि आपने सुना होगा जरूर आरसीवीपी नरोहा एकेडमी। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए तो ट्रेनिंग यहीं पे होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आरसीवीपी नरोहा एकेडमी में आरसीवीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, इस बुक का ऑथर कौन है। ओके, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट का ऑथर कौन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पीडीएफ और कुछ अपडेट्स जो चैनल से रिगार्डिंग होते हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। उस चैनल का नाम है आदित्य दुबे एमपीपीएससी, और यदि आप लिंक चाहते हैं उस चैनल की तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।